नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से। आज मैं केस्को बिजली घर में मौजूद हूं और मैं देख रहा हूं यहां पे विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति केस्को द्वारा यहां पे एक धरना प्रदर्शन की तैयारी हो रही है। और क्या धरना प्रदर्शन किस बात का हो रहा है, क्या मामला है, क्या प्रकरण है, मैं इससे भी अवगत कराता हूँ। और यहीं के कर्मचारी से मैं पूछता हूँ क्या प्रकरण, क्या मामला है इनका, कि आज इनको क्या क्यों हो सकता पड़ी आप यहाँ धरना प्रदर्शन करने की। मैं इनसे ही जानकारी करता हूँ, यहाँ पदाधिकारियों से मैं भी आपको ले चलता हूँ, किसी पदाधिकारी से जानकारी लेता हूँ। ये संविदा कर्मचारियों का नियमित करने की मांग इच्छा की मैं जानकारी करता हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया किस तरह धरना प्रदर्शन की तैयारी हो रही है, किस तरह लोग जा रहे हैं यहाँ से मुख्यालय के लिए, और यहाँ पर कुछ पदाधिकारी भी मौजूद हैं। मैं इनसे ही जानकारी कर लेता हूँ क्या प्रकरण, क्या मामला है इनका। क्या नाम आपका? शैलेंद्र दुबे, संयोजक विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति। ये आज धरना प्रदर्शन जो हो रहा है इसका उद्देश्य क्या है? ऊर्जा निगमों के प्रबंधन के साथ माननीय ऊर्जा मंत्री जी के साथ और माननीय मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी 3 दिसंबर को। एक लिखित समझौता हुआ है जिसके किसी भी बिंदु का पालन नहीं किया गया है। पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन कहते हैं हम इस समझौते को नहीं मानते, इसलिए बहुत ही समझौता कब हुआ था आपका? 3 दिसंबर को। इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है, आज बिजली कर्मचारियों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। आज यहाँ से शुरुआत हो रही है, पूरे प्रदेश में इसी प्रकार से कार्यक्रम 13 मार्च तक चलेंगे। 14 मार्च को सारे प्रदेश में मशाल जुलूस निकाले जाएंगे और 16 मार्च की रात से, अगर समझौते का क्रियान्वयन न हुआ तो 16 मार्च की रात से तमाम बिजली कर्मचारी सभी ऊर्जा निगमों के 72 घंटे की हड़ताल पर चले जाएंगे। अगर उससे कोई बिजली व्यवस्था में व्यवधान होता है तो उसका सारा उत्तरदायित्व ऊर्जा निगमों के चेयरमैन का होगा, प्रबंधन का होगा। जैसा कि उन्होंने अवगत कराया कि यहाँ पर समझौता होने के बावजूद भी वो हमें कमिटमेंट में पूरे खड़े नहीं उतरे हैं, आज धरना प्रदर्शन के लिए इनको मजबूर होना पड़ा है। अब यहाँ से आप कहाँ जाएंगे? केसा हाउस तक जाएंगे। केसा हाउस पर सभा के बाद यह कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। जिस तरह आपने कहा कि अगर आपका समझौता जो हुआ था उसके अधीन अगर वो बात आपकी नहीं मानते तो आगे एक्शन आपका क्या होगा? 14 मार्च को सभी जनपदों में और परियोजनाओं में मशाल जुलूस निकाले जाएंगे और 16 मार्च की रात को 10 बजे से 72 घंटे की हड़ताल होगी। जैसा कि उन्होंने अवगत कराया, अभी जा रहे हैं मुख्यालय, मुख्यालय में मैं भी चलता हूँ, दिखाता हूँ। वहाँ पे मुख्यालय में भी इनसे वार्ता होगी, वहाँ पे किसी अधिकारी से उसकी भी जानकारी आपको देता हूँ कि क्या प्रकरण, क्या मामला है इनका, भी मैं आगे आगे दिखाता हूँ आपको। जैसा कि मैं देख रहा हूँ भाई, काफ़ी महिला भी काफ़ी यहाँ पर उपस्थित हैं, जन जागरण रैली निकाल रही हैं, काफ़ी तादाद में हैं और ये अपनी मांग को लेकर यहाँ के MD कार्यालय पहुँच रही है। और इससे मैं अवगत करा रहा हूँ और अब मैं चल रहा हूँ उनके साथ, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, और ये अपनी मांग को लेकर MD कार्यालय पहुँच रही है। और यहाँ पे कुछ यहाँ के केशव पदाधिकारी भी मौजूद हैं, वो भी साथ में इस रैली में चल रहे हैं। और मैं आगे भी इसी तरह से प्रकरण दिखाता रहूँगा। आप अगली अपडेट में किसी नए प्रकरण से अवगत कराएंगे, तब तक के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ के साथ। मैं चीफ एडिटर अतर हुसैन एंटी करप्शन से साथ में कैमरामैन हरिओम चौरसिया, नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।